हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और फिलहाल हम लोग सुबह सुबह फ्लाइटें चेंज करते फिर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हम गोवा में हैं। जयपुर आ रहे थे और गोवा पहुंच गए। यहाँ से फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट लेके हम जाने वाले हैं जयपुर। फाइनली हमें लग रहा था कि फ्लाइट हमारी छूट जाएगी, क्योंकि जो उससे पहले फ्लाइट थी उसने बहुत डिले कर दिया था। हाँ, अब पता, ये दिक्कत हो गई थी। यहाँ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, वहाँ हम लोग लैंड करे थे। क्या आप लोग ध्यान से ट्रैवल करो, अभी थोड़ा सा अवॉइड करो ट्रैवल करना। वो दिल्ली के वेदर जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक, क्योंकि सारी फ्लाइट्स मैक्सिमम दिल्ली से इधर उधर हो रखी होती हैं। बोर्डिंग पास गिराती रहती बार बार, दो दो मिनट में। यहाँ अगर फ्लाइट कैंसिल होती तो मैं दो दिन गोवा रुक जाता, मैं जाता ही नहीं वापस। मैंने कहा वेदर ही ठीक हो जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच। मुझे तो लग रहा था आज तो गोवा रुकना पड़ेगा। सुबह भी पता क्या सीन हो गया था? अच्छा, कनेक्टिंग गोवा थी क्या? अरे नहीं, जो की डिले हो गई, हमारी डिले हो गई मुंबई से। अच्छा, अगर वो डिले नहीं होती तो हमारा तो जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई ना हम लोग लैंड करे थे। किस्मत से वो जो उस वाली भी थी वो भी 5-7-10 मिनट लेट चल लेट हो गई। लेट हो गई भाई, पूरे सब जगह की फ्लाइट लेट चल रही है, लेट जा रही है। हर जगह पे लड़ाई चल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। इतनी गाली, मतलब इतनी लड़ाई हो रही है एयरपोर्ट के, इधर कॉर्नर में उधर कॉर्नर, चिल्लाने क्या बात है? इतनी डिले क्यों हो रही है फ्लाइट के अंदर? ना बहुत ज्यादा फॉग है, जिसकी वजह से ना एक एक दिन 150-150 फ्लाइट तक कैंसिल हो गई। अब सारी फ्लाइट वहीं से कहीं आती है, फिर वहां से कहीं और आती है, तो वहीं की वहीं खड़ी है वो फ्लाइट्स, कहीं आ जा नहीं पा रही फॉग में। तो फिर वो रिस्क है ना, क्या करें बताओ। उनको फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है, सबको होटल्स प्रोवाइड कराने पड़ रहे हैं, खाना प्रोवाइड कराना। अच्छा, आपको भी उन्होंने करवाया था? हमें कराया था, पर हम तो गधे हैं, हमने पहले ही। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई इन सब एक्चुअली क्या, मेरे बगल में ना कोई माथापोड़ी कर रहा था कि हमारे को होटल दो, वो मना करी थी नहीं है होटल ये वो। मैंने कहा भाई मेरे से इतनी माथापोड़ी नहीं होती, पहले ही 2 घंटे हो गए, परेशान हो गए यार। 2 घंटे बाद हमें बोर्डिंग पास मिला, अपना होटल बुक कर दिया। मैंने कहा एटलीस्ट पास का होटल तो बुक कर दिया, क्योंकि होटल्स भी आसपास के सारे बुक ही साफ। पूरा परेशान वो यार, किस किस से माता, और जबकि हमारे वाले ने तो हमें खुद से सामने से अकोमोडेशन दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप किसी और को दे। हमारा वाला बंदा तो इतना अच्छा था कि मतलब वो 1.5-2 घंटे तो खुद कोशिश करता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे। हमारी बोर्डिंग मतलब वो हो गई, बोर्डिंग क्या, हमारी टिकट हो गई कंफर्म, बट हमारा पीएनआर नंबर होल्ड पे चला गया। फिर उसके बाद सुबह पता, वो कंफर्म हो गया, रात को हो गया, हमें बोर्डिंग पास मिल गया। फिर सुबह पता चलता है कि स्टाफ वाला है तो इधर उधर हो सकता है। फिर आधा 1 घंटा खड़े रहे, फिर दिया उसने, लेकिन बट हो गया, फाइनली आ गए। मैं तो जाऊंगी मैं सर्दियों में कभी घूमूंगा प्लेन से, मतलब ट्रेन से चला जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाओ ट्रेन से। जिस दिन पता चला दिल्ली में फॉग है, कैंसल। कैसे लगे? मस्त है ना? और पता है मैदा के भी नहीं, चावल से बने हैं। चावल के पास्ता बनवाया यशी ने गाइस। अब मैंने बिल्कुल मैदा खाना पसंद किया, सुपर टेस्टी, और ये बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इनका टेक्सचर जैसे ना, आप मिलेट का पास्ता अगर लोगे ना तो वो एकदम वो ना खिचड़ी जैसे हो जाते हैं, ये नहीं होते। एंड इनका टेक्सचर भी अच्छा, नहीं हेल्दी भी है, जो पक्का चावल से बने हुए। वहां से लाई हूँ एम्पोरिया से, मजा आ गया। तो गाइस कल हम लोग यहाँ पर नहीं थे, और हमें अमित और वर्षा जो कि जोधपुर से आए थे हमसे मिलने, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाए, सो सॉरी। हमें चॉकलेट देके गए, थैंक यू सो मच गाइस। अब सिर्फ फरेरो रोशर आती, क्योंकि यही खाती हूँ मैं। हाँ बस, सबके सब फरेरो रोशर ही फरेरो रोशर देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे मिलने आए, बट हम आपसे नहीं मिल पाए उसका हमें बहुत दुख है। थैंक यू सो मच। शायद वो हितेश भैया कल भी मिले थे, इन्होंने स्टोरी डाली थी ना। अच्छा 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 गाइस देखो क्या खा रही है आज, क्या क्या मिक्स कर दिया तूने इसके अंदर? रोटी और आलू की सब्जी। रोटी आलू की सब्जी, नमकीन टमाटर सब मिक्स करके बढ़िया तरीके से मजे से खा रही है। पागल नहीं है थोड़ी पूरी? यार दोस्तों जैसे त्योहार जाता है ना, ऐसा सून सा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। और मेरे लिए स्पेशली बचपन से दिवाली वगैरह जाना तो एक अलग चीज होती थी, लेकिन जब संक्रांति चली जाती थी तो मुझे इतना अजीब सा डल सा लगने लग जाता था कि पता नहीं क्या ही चला गया मेरी जिंदगी से। देखो इस बार तो साला संक्रांति आई नहीं आई पता ही नहीं चला मेरे तो। ओहो, पता ही नहीं चला, पर हमें जरूर पता चला कि हाँ। संक्रांति आई थी। यार ऐसी बहुत कम हो गया पहले से तो यार, मतलब मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है मैंने कुछ करा ही नहीं इस साल। मेन संक्रांति पे तो भाई खूब पटाखे वटाखे फूटे थे ना कल, भयंकर भाई, सब मिस कर दिया मैंने यार। वो तो खिला दिया क्या? फीनी, जब देखो जब फीनी खिला दे। आज घर भी मंगवाई थी मैंने, सोडा नहीं वाली थी। मस्त थी ना? क्या खुद पे तो घर तो अकेले अकेले खा लिए, और अरे तो घर वालों के लिए मंगाई थी मैं तो यहाँ। पहले घर पे घर वालों का बोल के घर पे खा ली, उनसे 2-4 खा ली, अब यहाँ पे आके यहाँ की खा लेगा। बहुत सारी चीजें खाने लग गया, जिम भी जाने लग, कल भी गया था जिम यार, आज चलेंगे जिम। अच्छा यार गाइस मैं क्या बोल रहा था, आज चलेगा कि बैडमिंटन? आज पहले जिम चलेंगे, देखते हैं 7-8, 8-9। अरे तुम लोग किया लेके जा रहे हो कहीं पे? हाँ। तो फिर मैं मस्टैंग लेके जा रहा हूँ। कहाँ? पतंग उड़ा ले। क्या पता ही नहीं चला कि सकरात आई, अभी कर देखता हूँ छत पे की गई ही नहीं गई सकरात। गई कोई पतंग नहीं है यहाँ पे, एक काम करो अपने ऊपर चले जाओ। हाँ यहाँ से देख ले गई नहीं गई, इस फ्लोर से तो नीचे उड़ती है। हाँ तो नीचे देख ले, यू झुक ले थोड़ा सा, दिक्कत है तेरे कमर में। चुप हो जा, चुप हो जा।
गर्ल्स को हाथ नहीं उठाएगा। मैं तेरे का हाथ उठाएगा। तो ये बात बोलो ही मत, कर मेरे को आसमान घसीटा है तूने। और मैंने इनको बोल दिया, अब देखना सूरज भी क्या बोलते, सूरज को मारेंगे। मैंने नहीं बोला था, कालू ने बोला, दोनों ने बोला था, दोनों ने सीखा है, वहाँ टेक्निक सीखा है। एक बार देखो कितने मजबूत हाथ पे रहे। अरे कर उससे आज वाली पिक्चर देखी थी अक्षय कुमार वाली, वो बैलन बैलन करता है ना वैसे, बैलन 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 बैलन। अच्छा बोल कुंकू, अरे यार पट्टी चक्कू लेंगे, चक्कू लेंगे। ओए फिर गुरुजी कुछ और कराओ, आग पट्टी गिरता था फिर। आ गुरुजी, आ गुरुजी। चौक 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 चौक। ये देखो हमारी मस्टैंग दोस्तों, काफी दिनों बाद एक एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि कमेंट आने लग जाते हैं कहीं बेच दी क्या आपने। ये रही, नहीं बेची, ये रही मेरे पास। ये यार कोई किसने कुछ रखा है इसके ऊपर चप्पल वगैरह, कौन है शैतान। चलो चलते हैं, किया यशी लेके जा रही है तो मैं ये कार लेके जा रहा हूँ, ये कार। हाँ क्या हो गया अभी ना, चार पांच लोग खड़े थे, फोटो खींचा रहे थे सबके साथ। अच्छा आपको पता है ये कार ना सिर्फ मेरे घर ले जाने के अलावा कहीं भी नहीं जाती आजकल। आजकल क्या गई नहीं तब से आज तक। और गाइस थोड़े दिनों बाद इस सीट पे मैं दिखूंगा आपको बैठा हुआ। ये उससे बोल रहा था कि भाई मुझे कब मिलेगी, मैंने कहा एक डेढ़ महीना और मुझे चला लेंगे। ये भी तेरी रहेगी। गंदी कैसे हो रही है यार, क्लीन नहीं हुई ना, कितने दिनों से खड़ी है। हार देख, एक तो यहाँ पर भाई वो जिस बंदे को बोला हुआ है ना वो यार रोज साफ करता ही नहीं है, पता नहीं हर बार मुझे गंदी मिलती है, तीन बार तो बोल दिया मैंने उसको, वो बोलता है कि मैं साफ कर दिया। भानु को बोलना पड़ेगा कि यार उसको एक बार बोल दे तमीज से, क्योंकि हर बार अब सुना आज जब आएंगे ना तो इसमें कवर चढ़ा के जाएंगे यार, धूप में कलर वाला फेड हो जाता है, फेड हो जाता है क्या, यानी कुछ भी नहीं होता इस कार का फेड। तो भाई फिर भी यार एक सेफ्टी के लिए तो चाहिए ना कवर। अरे कवर कवर पड़े पीछे, कवर चढ़ा के जाते हैं तो फिर वो उतार उतार के देखते हैं भाई, उस चक्कर में कोई स्क्रैच क्रूज कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल घर चलते हैं, वो क्या मम्मी को काम है, छत पे होगा ना, छत पे काम होगा मम्मी को, मम्मी ने बोला छत की सफाई करते हैं, जो पतंगे पड़ी है ना उनको ठिकाने लगाना है मुझे सबको। गाइस आज जरूर लग रहा है यहाँ पे कि पतंगबाजी हो रही है वैसे तो, ये देखो पतंगबाज। बेतु की बात करिए क्या, बेतु की बात करिए, आज लग रहा है इसको पतंगबाजी हो रही है। अरे कल तो थी नहीं ना, कल तू नहीं था ना इसलिए हम आए नहीं छत पे भाई, इसके बिना आते क्या अपन, एक चीज बताओ चंदू भैया। हम कुछ करते ही नहीं आज, तेरे को मजा आ रहेगा, हम सांस नहीं ले पा रहे थे। गाइस माहौल देख रहे हो भाई, कितना तगड़ा माहौल है यहाँ तो यार आज भी। और मम्मी जी गेट को मैच कर रही है आप तो, हाँ, देख ले, गेट को क्या बोल रही हो, पतंगों से मन भरा नहीं भरा अभी, ये सब पतंगों के पीछे पड़ गए मेरे, क्या क्यों? एक काम करो मम्मी मजनू को छोड़ दो ना, एक बार छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, अरे छोड़ दो छोड़ दो, थोड़ा सा ही खाएगा, खाएगा नहीं चाटेगा। लड़की को एक काम बोला था कि सूरज और मैं फीनी खाएंगे, हमें फीनी खिला दे, और इसने पता नहीं क्या कर दिया, लपटा बना दी लपटा, क्या हो गया। तो मैंने एक मिनट का टाइमर लगा दिया, इन्होंने कुछ, तो एक मिनट थोड़ा होता है, 10 सेकंड होता है सिर्फ, इस वजह से सही बात है, बातों में फंसा है। अरे भाई लपटा हो गया लपटा, दो मिनट हवा लगेगी ना ऐसे, लामे तो धोने में डाल दे भाई अपने, लो भाई लो धोने में लो, और गिराना मत। गाइस देखो कैसी हो गई इसकी, पता नहीं क्या ही हो गया, भाई लपटा बना दिया इसने, बेचारे ने कितनी मन से बोला था पहली पीनी खा रहा था कि आप पीनी खा लेता हूँ, अरे मी को वो सब ऐसी होगी, 10 सेकंड के लिए कर दे, नहीं 10 सेकंड के लिए कर दे, चल वो मैं खा लूंगा। 10 सेकंड करना सही हो भाई, 10 सेकंड ही जगह पता, 10 मिनट हो गया था तो उसकी तो सारी हो जाती, क्या निकल गया था चाशनी, दिखा दिखा, अभी 10 सेकंड और करिए, अभी तो सूखी की सूखी पड़ी है वो, 20 सेकंड 20 सेकंड। अरे नहीं पागल है, जिम जाऊंगा भाई, मैं नहीं खा रहा, कितना झूठ बोल रहे, इसमें डाल, उसमें डाल दे, डब्बे में डाल दे यार, ये लो, और ये भाई ये बनी है सही फीड़ी, इधर नजर मत डाले, चल एक चावल ला रहा, ये मेरे चावल किसके लिए, आप ले लिए ये, मैं छुप पर सुबह के छुपा दी, मैंने अभी फ्रेश बने थे तो उसको रखा दिया। कैसी लगी, अच्छी है, मस्त है, अच्छी है ना, मस्त है, मेरी वाली की सॉरी भाई, तो आपको भी किसी गरम गरम से, हाँ 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 क्या मस्त है, ओहो मुझे तो बहुत ज्यादा गरम है, मजा आता है खाने में, खीर के साथ खाओ और भी टेस्ट लगती है, और तुम दूध के साथ खा लेना शराब को तो जीवन के मजे देंगे, बहुत प्यार लगते, बहुत प्यार के मजे दोस्तों, दो फिर यहाँ खाता है, दो घर जाके खाता है, दो घर से आते हुए खाता है, फिर यहाँ आके खाता है। नहीं, 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 भाई। देखो ये सोरा, इधर घर वाले आके जा भी रहे,
ठीक है चलो आप तो जाओ। अंकल गए क्या कुछ छोड़ के आज? नहीं इतना ही साथ था क्या? हाय हेलो यू आर वेटिंग फॉर यू वर वेटिंग फॉर मी कम यू कम अलोन हाँ कहाँ रहते हो आप कम कम सिट सिट आ जाओ इसी बिल्डिंग में डू यू वॉच आवर व्लॉग्स सो स्वीट कब आए थे आप इससे पहले हम लोग नीचे जिम में थे इतनी सुंदर बच्ची आप इनको जानते हो क्या नाम है इनका क्या नाम है मेरा नहीं पता चलो नाम क्या नाम है जैस्मिन और आपके दांत चूहे लगे आप सो रहे थे रात को ये भैया वाली लाइफ ना पहले बच्चा हमारे के बच्चों के साथ चलती थी तो भाई अभी भी यही चलती है कौन सी क्लास में पढ़ते हो सेकंड तो बहुत छोटी है और आप इनको जानते हो नहीं जानते आप इनको जानते हो आप इसको जानते हो यशिका दीदी और सूरज भैया सूरज भैया सो रहे हैं सूरज भैया को जानते बेटा सब देखो आपको एक चीज बताती हूँ मैं आई मुझे बोली कि ना मैं छोले बना रही हूँ मैंने कहा यार बढ़िया बात है छोले बना रही हूँ सब खाएंगे जरा इसकी छोले की क्वांटिटी देखना एक बार सिर्फ खुद के लिए यार गाइस एक बात बताओ इनसे मैं पूछ के और मैं मेरे से तो नहीं पूछा था कब पूछा मेरे से भी नहीं पूछा था भाई मैंने सबके लिए पूछा था कि है ना तुम नहीं सॉरी झूठ तो क्यों बोल रही है मैंने सबके लिए बनवाया था दाल चावल आलू की सब्जी मटर की सब्जी और रोटी तो मुझे तो सुबह बन गई थी तो वो बच गई थी तो वो तुम खा लेना भाई तो ऐसा है कि आज हम बना रहे हैं छोले और पूरी पूरी तो मैं नहीं खाती लेकिन मैं छोले जरूर खाती हूँ सूरज नहीं खाता छोले क्योंकि उसको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी भाई इस घर में सबको गैस की प्रॉब्लम है मेरे को नहीं है मैं तो खाऊंगी मतलब है मुझे लेकिन मुझे उससे छोले से नहीं होती तो हम खाएंगे तो भाई अब तुम्हारे जितने तो हम भी खाएंगे तुम्हारे जितने भाई मम्मी चावल लेके आई तुम वो खाओ नहीं तेरा नंबर लास्ट में आएगा पहले हमारा तू बना तेरा काम बनाने का है खाने का तेरा काम बनाने का है तुम्हें तो मेरे लिए भी चल जल्दी कर वैसे तो हम बना रहे थे छोले लेकिन बीच में उस दिन यार मैंने बताया मुझे पता नहीं भानु ने खाया नहीं तो भी भानु के लिए मैंने दोबारा बनाया भयंकर बट डबल चीज है दीदी ने पिज्जा बनाया मेरे लिए स्पेशल है ना ये इसलिए मजेदार बनेगा भाई पिज्जा मजेदार उसमें देखो सब कुछ डाल दे मसाला काला नमक नींबू मिर्ची हरा धनिया डाल दे और हरा धनिया डाल दे और क्या नहीं पसंद इनको वो भी डाल दे हरा धनिया नहीं पसंद और एक और चीज नहीं पसंद वो भी डाल दे बैंगन बैंगन डाल दे पिज्जा में डाल बैंगन तवा कड़ी पत्ता भी डाल दे अरे देना तवा गाइस देखो ये पिज्जा बनते देखो कौन कौन आ गए आप देख लो खुद देख लो कहाँ कहाँ से आ गए पता नहीं पर आ गए और सब कुछ छोड़ो नहीं दीजिए आप सब कुछ छोड़ो आपको जैसे अरे मैं इसका नहीं आया मुझे ना कि जलने जलने की बदबू आई तो मैं सोचा कुछ जल तो नहीं गया आप गए कहाँ थे ये बताओ फिर पता चला पिज्जा बना आप मुझे पहले ये बताओ कि केक की तरफ क्यों खड़े हो आप जरा इस साइड आइए जिम वाले लोग नहीं अलाउड हैं मैं ये मेल लिए रखा था मुझे ब्लॉग में भी देखा था कि ना इतनी चीज खाएंगे और ये आज से एक मिनट आप जिम अभी तो आप बोल रहे थे 6 महीने रुक जाए मेरी बॉडी बने 3 महीने रुक जाए मेरी बॉडी बने अब कहाँ बनेगी आपकी बॉडी ये करोगे तो नहीं बनी भाई प्लीज यार मेरी बॉडी इतनी अडल्टेबल है ना जो भी मैं चाहूंगा खाऊंगा ना अच्छा वो मेरी बॉडी तो फिर आप एक्सरसाइज करने क्यों जाते हो तो मेरी बॉडी में लग जाता है ना वो अच्छा हम लोग आए हैं हमारी बिल्डिंग में हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हमें मिले और उन्होंने हमारे लिए मैं आपको दिखाती हूँ तो अभी इससे पहले मेरे पास जैस्मिन आई थी जैस्मिन से हाय तो ये मेरे पास आई थी ना मुझसे बस बात करके चली गई फिर मुझे इनकी मम्मी ने नीचे बुलाया है ना फिर मुझे ये मेन्यू पकड़ा है प्यारा सा कार्ड जैस्मिन ने बनाया और इसमें 5-7 तरीके के डोसे सारे के सारे यहाँ पे हैं और मैं खाना खा चुकी हूँ तब बुरा लग रहा है मुझे बट थैंक यू सो मच आप बहुत स्वीट हो इनसे मैं मिली ये लोग हमारे घर के पास ही रहते हैं आंटी से मैं मिली उनकी सिस्टर से मिली सब बड़े प्यारे हैं और हमारे ब्लॉग्स और सब कुछ देखते हैं भाई इनका प्यार हमें यहाँ दिख रहा है अभी ये थाली उठा के तेज में आपको लेके चलनी है क्योंकि अपन खा नहीं पाएंगे हाँ आप तो नहीं आप तो मुझे पता है खा लोगे जिम कर रहा हूँ आज हमने जिम किया और यहाँ पे आके हमें ये खाना पड़ रहा है आप कल देखेंगे गाइस इतनी भयंकर चीज लाए बाहर आओ एक बार पिज्जा डोसा चाउमीन डोसा फलान डोसा ढिमका डोसा सब आ गया देखो देखो अरे झूठे देखो ओ माय गॉड अरे ये क्या क्या हो रहा है खाने में हाँ गाइस आज खाना दिवस है हाँ पहले उधर छोले बन रहे हैं इधर ये आ गया ले लबक गई अरे ओए किधर गरम करना अरे सुनो ये डोसे खा लो नहीं तो खराब हो जाएंगे भानु आ जा सूरज को भी मैं उठा के आती हूँ यार अगर उठ जाए तो गाइस अभी हम टीपू भैया हमें प्रैंक कर रहे हैं उनको हम खिलाएंगे मिर्ची वाली पूरी बहुत सारी मिर्ची डाल दो।
तेजी नहीं खाओगे पूरी? एक मारवाड़ी घर में अगर तेल हो कढ़ाई में और उसमें पापड़ ना तले जाए तो क्या मजा, क्या मजा। इसलिए हम लाल रहे, इसलिए पापड़ खींचा विचा जो है सब तल जाए। खींचा क्या होता है टिंगू भैया? खींचा अरे सिंधियों में होता है ना। हाँ। नहीं नहीं खींचा पापड़ तो अपने मारवाड़ी में भी होता है। आज मैं अपने हाथ सबको खिलाऊंगी। सबसे पहले टिंगू भैया, क्या हो गया तो यार टिंगू भैया, यार टिंगू भैया पहली बाइट आज आप खाओगे। आओ ना, कैसी है? क्यों नहीं खा रहे? मैं पूरी नहीं कर रहा। ओ, अभी तो आप किस खा रहे थे? चलो ये नहीं खाऊंगा पूरी, समझो मैं अपने हाथ से खा लूंगा। नहीं नहीं, जब बोला ना सबको एक हाथ खा जाओ, खाओ खाओ, चलो कुछ भी नहीं है। क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गड़बड़ है बताओ? बताओ गड़बड़ क्या है? नमक ज्यादा बहुत ज्यादा। अरे रामो तो ज्यादा कर दी। आपने पता है मेरे को मिर्ची वाली खिला दी? मुझे पता है, मेरे जादू की खिलाई है। गाइस सूरज भैया को भी टेस्ट करो पूरी। सूरज भैया दीदी ने पूरी बनाई है। प्लीज मैंने पूरी बनाई है सूरज, मैंने पूरी बनाई है प्लीज। दो घंटे हो गए पूरी बना रहा दीदी को, बेचारी की देख ना कैसी हालत होगी, पसीने में लथपथ होगी दीदी। और तू पूरी नहीं खा रहा, सोए जा रहा इधर, सोए जा रहा इधर, सोए जा रहा इधर। बात देखो इसकी क्या है भाई, सबको खानी थी। मेरे हाथ से एक बाइट खा ले, पूरियां तो मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई इतनी टेस्टी ना, तू वैसे बोलेगा कि और खाएगा तू। नींबू ने बनाई है स्पेशल, है स्पेशल के लिए, सिर्फ तेरे लिए। मजा आया ना? अभी आएगा, अभी थोड़ी सी मिनट में मजा। हिचकिया चालू होगी, हिचकिया। खाओ खाओ पूरी खानी है, पूरी खाएगा पूरा, चबा चबा के निकलेगा भी नहीं। ये आपकी नींद उड़ाने के लिए किया है हमने। अरे नहीं दीदी, यार ये कोई बात हुई क्या? थूक दे। नहीं 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 ले, पानी पी ले। एक गुट। अरे यार भैया खाओ यार, अरे पागल हो गए भाई। मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात, आप उठेंगे कैसे फिर? आइंदा ऐसा मजाक नहीं, पानी पर खिलाओ भाई पूरा। कैसी है? कैसी है? मेरे को भी खिला दो, पानी पिला दो। मिर्ची वाली पूरी और आप भी खा गए, और आप भी खा गए। लगी मिर्ची, नमक लगा था। अरे भाई तुम्हारे पता मिर्ची में मिर्ची नहीं है। हाँ नमक ही नमक, मुझे भी नमक ही नमक लगा। अरे वो दीदी यार आपने प्रैंक भी किया। यार मैंने डाली डाली, अरे मैंने मिर्ची फ्रेश पूरी खिलाती हूँ कश्मीरी की। ठीक है बालू को तो फ्रेश पूरी और हमें वैसे नमक मिर्ची। तो क्या हो गया? बालू ने प्लानिंग कराई थी ना, ले बालू ले। ओके छोड़ो, क्या हो गया? तो पूरी खाते ही नहीं हो ना? एक पूरी बोला था मैंने। पता है नाटक कर रहे थे खाने में। नमक क्यों ज्यादा है इसमें? अरे आप कौन सी पूरी खा रहे हो? ये वाली। अरे वो इमली ज्यादा है, सब में नमक नहीं है। अरे नहीं नहीं, पिछली बार बनाई तब भी नमक ज्यादा, इस बार नमक नब्बे नमक ज्यादा। बोलते क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार और आज पता है क्या आपको खाने में क्या क्या था पता है क्या? चाउमीन, पिज्जा, 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 चाउमीन, डोसा, डोसा, पालक पनीर, डोसा, पिज्जा, पूरी, छोले, दाल चावल, केक, पापड़, पांच तरीके के, अरे पुलाव, दो तरीके के पुलाव। घंटे तो सोया दिन हो गया आपको सोया पता? मम्मी पुलाव लिया नीचे, हम गए वो सब्सक्राइबर जो अपने आए हुए थे, मैंने तुझे उठाया था तो उठा नहीं। उन्होंने अपन को इतनी बड़ी थाली दे दी, उसमें गाजर का हलवा, पीनी, चार तरीके के डोसे, ये सांभर वाम्बर, वो इसने छोले और ये बना लिए, और घर में पहले के चावल और वो सब पड़े ही थे। इतना होना हो गया, हमने तल लिए। जल्दी से टीपू भैया को बुलाया, लोडिंग गाड़ी। टीपू भैया को पहले सूरज भैया ने बुलाया, ठीक है ना? तभी से बात। अरे नहीं तुम्हारा, अरे वो खाते हुए ऐसे कभी गलत बात ना करते, ऐसे थोड़ा ना होता है। लोडिंग लोडिंग गाड़ी मेरे को बोल रहा है, खुद देखो।